क्या हो गया? लोकेशन वोकेशन जीपीएस काम नहीं कर रहा क्या तेरा? ओए तो अभी मैं अपने घर में बैठा था और ये देखो कौन आया, मतलब चिड़िया उड़ती हुआ कि एक सेकंड रुक जा पंखे में मच्छे। ओए नहीं चौके चौको हाय चौके। जब अभी हमसे चौक को मिलने आया था और फिर उस पर चला गया तो इसी के साथ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। ताकि ये साउंड का चाहिए करें सामने ही चल रही है साउंड को इसको कुछ बस हाँ ठीक है। तो अब हमारी आज हमारा छुट्टी है, कल से तुम्हारा टेस्ट है तो आज छुट्टी है और हमारा नाश्ता आ चुका है हेल्दी सा स्प्राउट्स और ये रहा इसको ऐसे रख देते हैं। आज भी बहुत सारे काम है और इसको भी करना है तो चलो पहले नाश्ता फिनिश करते हैं फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो मस्त गर्मी से राहत के नहा के आ चुका हूँ और अब जाना है थोड़ा काम से और कुछ कॉलेज से रिलेटेड काम है और कुछ बैंक से तो रिलेटेड है ही क्योंकि बैंक वालों ने तो मेरे को तंग कर रखा है। आज जाके फाइनल वार्निंग दे के आता हूँ तब जाके खैर कुछ हो, बाकी धूप बहुत तगड़ी हो रखी है तो पूरा प्रिवेंशन करके जाना पड़ेगा नहीं तो बैंड बज जाएगी। तो फाइनली बैंक आया था और बैंक वालों ने 2 दिन का और टाइम मांगा है तो अब देखते हैं क्या ही कहते हैं। हमारी ब्रांच इतनी ही अच्छी है कि क्या ही होता है। चलो बाकी के काम निपटाते हैं, एक काम में तो 2 दिन और ले गया सेकेंड काम पर। तो फाइनली घर आ गया और भाई साहब धूप इतनी थी कि मतलब सर में दर्द हो गया, इतनी ज़्यादा धूप है। मम्मी इतनी धूप हो रखी है, कुछ जुगाड़ करो धूप का, कुछ ठंडा वंडा पिलाओ। हाँ ये इतना खाना ये पूरे मोहल्ले का है, मेरा अकेला है ये इतना पायस मतलब खीर। अच्छा सही है, शाम से रात हो गई और हमारा प्लान बना कि अब चलना है कुछ खाने पीने बाहर का और मैं सोच रहा हूँ कि अपने चौमिन के पास चलते हैं और उनकी चौमिन खाते हैं। तो चलो लेट्स गो। चौमिन बनाने में लगे हैं और तो ये रही हमारी 10 वाले ही चौमिन और ये हमारे माटू भैया। खाने में माटू भैया का तो यहाँ पे हमारे माटू भैया चौमिन बना रहे हैं और इनके चौमिन तो भाई साहब इतनी मस्त होती है क्या ही बताऊँ, एकदम नेक्स्ट लेवल की चौमिन। हमारी पूरी ग्रुप फैन है इस चौमिन की और इतने मस्त तरीके से चौमिन बनाते हैं, इनकी चटनी भी मतलब एक नंबर की। माटू भैया मतलब देखो पंखी वंखी लगा के सबको पूरा प्रॉपर व्यवस्था है, दिखेगा ही नहीं लाइट है। तो चलो माटू भैया आप मज़ा आ गया चौमिन खाने में, फिर आएंगे। चौमिन खा के अब निकल पड़ा हूँ नेक्स्ट लोकेशन जो कि हमारा है जैन सिकंजी पीने जाने का और वो पीऊँगा, बाकी बाल बहुत ज़्यादा ही पड़ गए हैं, इनका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, करेंगे इनका भी इलाज। पहले चलते हैं जैन सिकंजी पी लेते हैं फिर उसके बाद घर चलते हैं। यहाँ पे माता श्री अपने व्रत का खाना खा रही है, देखो कितना कम है। मतलब वो तो पू है, मीठा वाला पू है ना मम्मी, और आलू की खीर है। तो माता श्री का भी चल रहा है व्रत का, व्रत का क्या कहते हैं मम्मी, व्रत का खाना ना, तो व्रत का खाना चल रहा है, बाकी ना रेस्टिंग यहाँ पे। तो अभी मैं अपने घर में बैठा था और ये देखो कौन आया, मतलब चिड़िया उड़ती हुआ कि एक सेकंड रुक जा पंखे में मच्छे। ओए नहीं हम
हमारे घर में चिड़िया आई है, ये देखो। मैंने पंखा बंद कर दिया, नहीं तो ये क्या हो गया, लोकेशन वोकेशन जीपीएस काम नहीं कर रहा क्या तेरा? ओए पहले जो चिड़िया था वो तो उड़ गया, और अभी तो चिड़िया उड़ रहा है, कल वाले तोते उड़ेंगे, उसका क्या होगा समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो पढ़ा नहीं है, और जो टाइम हो रखा है वो हो रहा है भाई खुल जा 11 बज गए, मतलब कितना कम टाइम बचा पढ़ना भी है अभी, मतलब कब पढ़ेंगे कब सोएंगे कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो उसको भर भर के प्यार करो, प्यार के में मतलब है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो कर दो, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।